कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और उनके बेटे के साथ जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। वहीं पार्षद अरविंद यादव पर हमले के आरोप लगे हैं। जिला उपाध्यक्ष के साथ मारपीट और अभद्रता की सूचना मिलने पर कानपुर बीजेपी की जिला इकाई और महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर थाना काकादेव पहुंची है। वहां पर महिला जिला उपाध्यक्ष ने पार्षद अरविंद यादव के खिलाफ तहरीर दी। वहीं मौके पर पहुंची महिला ने आयोग के सदस्य ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना होने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कानपुर उत्तर जिले के उपाध्यक्ष हैं आप रंजीता पाठक जी। इनका फोन हमें आया एक घंटे डेढ़ घंटे पहले तकरीबन कि ऐसे ऐसे अरविंद यादव सपा का है 16-17 गुंडों के साथ मिलके उन्होंने इनको अकेले मारा थप्पड़ थप्पड़ और इनके बाल पकड़ के खींचे और बोला तेजाब से नहला दूंगा। तो ये बहुत रोते हुए इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, उनके बेटे को भी मारा, नीचे देवरानी रहती उनको भी मारा। तो फिर मैं सीधे यहाँ पे आई, जिलाध्यक्ष को मैंने सबसे पहले तो सूचना अपने जिलाध्यक्ष को दी सुनील बजाज जी को, उसके बाद मंडल अध्यक्ष, क्योंकि मंडल का मामला है, और हमारे क्षेत्रीय पार्षद नीरज बाजपेयी और राघवेंद्र, क्योंकि हम लोग एक संगठन के लोग भी हैं। मैं महिला आयोग में हूँ अलग बात है, लेकिन संगठन सर्वोपरि होता है। तो फिर यहाँ पे जब आए तो एसओ साहब नहीं थे, तो सीओ साहब को फोन गया। ये भी बताया जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं का आशीर्वाद इसको प्राप्त है, चक्कर में नहीं, वो बहुत बड़ा गुंडा है। एक्चुअली में 17-18 लोग एक शास्त्री नगर के मकान में नशेबाजी कर रहे हैं, उनके ऑफिस या कोई भी जगह पे। पहली बात तो ये बहुत बड़ी नाकामी है शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज की, कि उनके क्षेत्र में अगर शराब का अड्डा ऐसे बनता चला जाएगा, 16-17 गुंडा अगर एक जगह बैठ के शराब पिएगा, तो मुझे लगता है आज तो ये वारदात हुई है, कल को कोई और भी हो सकती है। और पूरा प्लानिंग था इनको जान से मारने का। हमारे नीचे वो रोड पे कूड़ा था, वो मकान बनवा रही थी, वो कूड़ा वहाँ पड़ा था, तो ये वहाँ से निकला, इसने बड़ी गंदी गंदी गाली दी और उनसे कहने लगा कि ये यहाँ कचरा फैलाती हो, ये इसका कौन जिम्मेदार है, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। कौन है ये, क्या नाम? ये अरविंद पार्षद है सपा का, ये हमेशा गुंडाई करता आ रही, कई महिलाओं को भद्र गालियाँ देता, जब भी कोई महिला निकलती तो बहुत गंदा गंदा शब्दों का इस्तेमाल करता है। उस मेरा बेटा भी वही खड़ा था, उसने मेरे बेटे को भी गंदी गाली दी, तो मैं सिर्फ इसलिए गई, मेरा बेटा मेरे घर आया, मैं नीचे मरीज दौरानी बुलाया कि भाभी रिशु को गाली दे रहा, तो मैं चली गई। मैंने कहा भैया तुम इसको गाली क्यों दे रहे हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं कोई, तो बस इतनी गंदी गाली मुझे दी और मेरा ये पता उठ उठ गंदी गंदी, आपको शब्दों का बता नहीं सकते कौन कौन शब्दों गाली दी। 10-15 लड़के वहाँ बैठे थे, इसने मुझे धक्का दिया, मेरी चुंडी पकड़ी खींची इसने और इसने मुझे ऐसी कस के धक्का दिया और कहता ला इसके पत्ते साफ डाल दे। ये प्रकरण थाना काकादेव के शास्त्री नगर से संबंधित है। इस प्रकरण के संबंध में अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है श्रीमती रंजीता पाठक जी के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें उनकी देवरानी के द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, इसी दौरान अरविंद नाम के एक व्यक्ति से विवाद हो गया है और उसी विवाद में जो इनके बेटे हैं उनको चोट की आई है। तो प्रकरण संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधि कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी किसी गिरफ्तार नहीं है, अभी प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस प्रकरण के संदर्भ में जो विधि कार्रवाई होगी वो जल्दी सुनिश्चित की। सर किस पार्टी के हैं पार्षद? ये सब जाँच का प्रकरण है, अभी जैसे ही जाँच होगी उसके बाद जो भी चीज़ें स्पष्ट होती रहेंगी आपको अवगत कराएंगे। और लोगों के नाम सामने आए क्या? ये सब विवेचना की विषय वस्तु है, फिलहाल तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।